अक्सर हम ऐसी फिल्में देखते हैं जिनमें कुछ कलाकार की हल्की सी झलक भी कई सालों तक जिंदा रहती है, पर समय गुजर जाता है और हमें उस कलाकार के बारे में जानकारी नहीं मिलती। 80 के जमाने का एक गाना आपने सुना ही होगा, टीवी पर अक्सर दिखता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म अपनापन का ये गीत आज भी एवरग्रीन है। ऐसे बेहद सारे गीत हैं जो जीवन की असली कहानी से जुड़े हुए हैं। इस गीत के बोल को छोड़ दिया जाए तो शायद ही किसी को पता होगा कि ये गीत किन दो कलाकार पर फिल्माया गया था। महाराष्ट्र के दर्शक को शायद पता होगा, पर दूसरे दर्शक आज भी अनजान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। बिना वक्त गवाए बता दूं कि हारमोनियम बजाने वाले कलाकार के साथ जो बच्ची दिखाई देती है वो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध एक्ट्रेस निवेदिता जोशी है। इनके पति को भी आपने स्क्रीन पर बहुत बार देखा होगा। करण अर्जुन जैसी हिट फिल्मों में कॉमेडी करते हुए दिखने वाले अशोक सराफ इनके पति हैं। अशोक सराफ को मराठी फिल्मों का सुपरस्टार कहा जाता है। वहीं उनकी पत्नी निवेदिता जोशी आज भी मराठी फिल्मों में सक्रिय हैं। हालांकि निवेदिता जोशी ने बतौर बाल कलाकार सिर्फ 3 हिंदी फिल्मों में काम किया था। अपनापन उनकी पहली फिल्म थी, उसके बाद जलन और परिवर्तन में भी वे दिखाई देती हैं। ये दो फिल्में 1978 और 1980 के साल में रिलीज हुई थी। 3 फिल्मों के बाद निवेदिता बतौर हीरोइन मराठी फिल्म जगत में दिखने लगी। प्रसिद्ध मराठी फिल्म नवरी मिले नवराला उन्होंने अशोक सराफ की बहन का किरदार निभाया था। इस फिल्म के बाद निवेदिता ने साइड एक्ट्रेस के रूप में खूब सारी मराठी और हिंदी फिल्में की। हिंदी फिल्म जगत की बात करें तो उनकी यादें सिर्फ अपनापन के इस गीत से जुड़ी हुई हैं। सिनेमा के कट्टर प्रेमियों ने उन्हें हिंदी फिल्मों में नोटिस कर लिया होगा, पर आज भी निवेदिता की पहचान छुपी हुई है। निवेदिता की बात हो ही रही है तो आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि इस गीत में हारमोनियम बजाने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है। इस पर से पर्दा उठाते हुए बताना चाहूंगी कि वो कलाकार अपने साई बाबा हैं। जी हाँ, मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म शिरडी के साई बाबा में सुधीर दळवी ने साई बाबा का किरदार निभाया था। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।